सभा उन बहादुरों को हम याद भी करते हैं जिन्होंने जब जब देश पर संकट आया अपनी जान की बाजी लगाने से वो चुके थे। ये हिंदुस्तान उन शहीदों का ऋणी है जिन्होंने अपने प्राणों से ऊपर देश की आन बान और शान को सामाजिक जिम्मेदारियों और सरोकारों को बेहद गंभीरता के साथ निभाता है। तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। Vice-Chancellor 2002
Subhash ji, for inviting me today to this program. ऐसा प्रोग्राम जो एक तो आपके दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा है और साथ में आपने एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम जोड़ने की कोशिश की है जिसमें हमारे शहीदों को वीरांगनाओं को उनके द्वारा हमारे शहीदों को यहाँ याद नहीं किया गया है पर हम सबको और याद दिलाया है. थैंक यू वेरी मच. चैनल्स को ये बहुत जरूरी है कि सकारात्मक सोच की दिशा में वो आगे बढ़े. मुझे बहुत खुशी है कि आपका एक ऐसा चैनल है जो उस दिशा में कदम बढ़ाए. मेरा हमेशा सब चैनल से और मीडिया से निवेदन रहा है कि प्रदेश के विकास में वो भी भागीदार बने. हमारे सहपाठी हमारे सहभागी क्योंकि हमारा मानना है कि सबका विकास अगर होता है देश का विकास होता है और इसीलिए ये जरूरी है कि भावी पीढ़ी का विकास नहीं करना है वो सब अगर हम शुरुआत कर लेते हैं मिलके करते हैं तो आने वाले समय के अंदर भी जो हमने सपने देखे हैं उन सपनों को हम जीवन पूरा कर सकते हैं. भैया जरा उसमें देख ना लगे सबकी एक जब तक नहीं होगी तब तक मेरा काम नहीं होगा. हम हमारा काम होगा एक ही मंजिल एक ही लक्ष्य एक ही सोच इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा काम बढ़ पाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एब्सोल्युटली कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. इट्स नॉट नेसेसरी मैं बात कहूँ कि सब खबरें सकारात्मक हो और हमारी भूमिका नकारात्मक तो ना हो. ये बहुत जरूरी है. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन. अभी बात की जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है तभी हम अपने आप को देखते हैं करेक्शन कोर्स करेक्शन करते हैं और रास्ता एक ऐसा अपनाते हैं जिससे फायदा सबको होता है. पर नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाती है और नेगेटिविटी से सबका वाइब्रेशन बढ़ता है. सब दुखी होते हैं सब एक दूसरे से नाराज होते हैं. मेरा ये मानना है कि जब प्रेम से लोग साथ चलते हैं एक दूसरे की तरफ अच्छे भाव रखते हैं तभी बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट कैरेक्टर होना चाहिए. ये सब होता है तो मैं समझ में उस दिशा में हम चल सकते हैं. मैं एक्सपेक्ट ये करती हूँ आज तक तो टीम चैनल लगाना ही मुश्किल है. कोई ना कुछ ज्यादा बोलता है. मैं सोच रही हूँ इसको लगाऊं इसको नहीं लगाऊं इसको लगाऊं ऐसा कुछ जो चैनल जो आने वाले समय का एक हमारे अंदर एक जिसको कहते हैं वो हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश करें. इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि हमको लगता है शाम को या सुबह जब भी हम परमिशन देते हैं कि देयर इज नो ये सरकार कुछ भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती दिल्ली वाले कुछ भी नहीं कर सकते सब पूरा भट्टा बैठ गया है अब तो बस विनाश विनाश विनाश. ऐसी स्थिति नहीं है और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसलिए अगर हम भी काम करने आए हैं चलो सुनो नहीं कि विश्वास हो लोगों का तो मैंने उस चैनल को बोला तो टीआरपी को देखते हुए नहीं परंतु सच्ची रिपोर्टिंग करने का काम अगर हम करेंगे तो मैं समझती हूँ कि अपना बहुत आसान काम हो जाए. छोटी सी चीज निकाल के उसको कंकड़ को इतना बड़ा काम बता देंगे कि सब लोग अगले पांच दिन उसको देखते रहेंगे लेकिन क्या इसमें कितनी सच्चाई है क्या सच्चाई है और आगे इसका क्या हो. अभी पिछले डेढ़ महीने में हम ही सत्र से देखे हैं मैं देख देख के सोच रही हूँ किसके बारे में ये बात कर रही हूँ. कभी हमने आपको पहचान नहीं किया क्या कहा
बातों को दुखी तो होता ही, क्योंकि असत्य बात अगर उसके बाद में होती है तो आदमी दुखी होगा। परंतु दूसरे तरफ में हम लोगों को ये सोचने को जा रहा है कि कहानी है कि और राजनीति में जब हम होते हैं या अफसर में होते हैं या बिजनेस में होते हैं ऐसा अगर नहीं होते तो कुछ ना कुछ बात के ऊपर कुछ ना कुछ चीज तो अपने बारे में कहीं ना कहीं निकल जाएगी। इतनी सच्चाई ठीक नहीं है, वो तो अपने खुद के कार्य से और अपने खुद के काम से लोगों के सामने बात आती है। इसे मेरा ही कहना है कि आप नहीं अपनी विश्वसनीयता बढ़ाना, खबर ऐसी हो जिस खबर से लोग खुश हों। मैंने बार बार कहानी बताई है, सबको बताई है, मैं देश में गई थी और वहां मैंने दो तीन दिन जब मैं वहां थी, दस दिन का दौरा था, मैं वहां थी तो मैंने देखा कि इस देश के अंदर तो कोई ऐसी खराब खबर पहले देश में आती नहीं। मैंने भी सोचा कि भाई कैसा देश है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं होगी, कोई मर्डर नहीं होगा, कोई मार नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? मैं पूछा आपने लोगों से तो इसके बारे में बताया गया, उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी है, हमने पॉलिसी कर रखा है हमारे फर्स्ट पेज पे और हमारे लास्ट पेज, क्योंकि लास्ट पेज से पॉलिसी तो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज होपफुल पेजेस हैं। हमारे लोग जब पूछते हैं हम इन सबको सम्मान करके नहीं हम उनके सामने नतमस्तक होंगे।
पति और जो सैनिक थे उनकी शहादत की। इसीलिए इन सब विरांगनाओं को हम सब और आज आग आई हो हमारे सामने आई हो हमसे छोटा सा कागज लेके गए हो वो क्या चीज़ है आपके पूरे परिवार के इतना बड़ा जवाब है देश को दिया है उसके सामने। मैं समझती हूँ कि हमें कोई भी नहीं है जिसके आंखों में नमी नहीं आई। आज मैं इतना कहना चाहती हूँ बच्चों को भी मातृभूमि की रक्षा प्रेरणा आज के कार्यक्रम द्वारा आपको देगी और आने वाले समय में आई श्योर कि यू विल आल्सो हैव प्रोग्राम्स इन द फ्यूचर दैट विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ फीलिंग विद इन आवर यूथ। सरकार की तरह से बिल्डिंग हाँ ठीक है सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है परंतु बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो अच्छे हैं उन अच्छे कार्यक्रमों को जनता के बीच में लाने का काम कभी कभी अपने को करना चाहिए। कभी कभी इकोनॉमिक प्रोफेसर जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई कराते हैं टीचर्स उन लोगों को क्या चीज पर लाना चाहिए डिस्कशन होना चाहिए व्हाट इज द स्टेट ऑफ फाइनेंस व्हाट इज द वेल्थ राज्य में जो
जन्म जाएंगे, ये हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा अंश है। और मैं आज इंटरव्यू याद करना चाहूँगी जिन अटल जी ने जो याद है मैं अतिथि के साथ उस समय और उन्होंने मेरे को ये कहा कि कारगिल के युद्ध के बाद जिन जिन लोगों को राजस्थान के अंदर जहाँ भी शहीद हुए हैं मैं सम्मानजनक तरीके से पहली दफा हिंदुस्तान के अंदर तो खाली टैग पहुँचा करता मालूम पड़ता था कि ये शहीद हुए हैं, परंतु इस बार उनकी बॉडी वापस सम्मानजनक तरीके से उनके गांव में जाएगी और हम लोग सब और इसलिए हमारी ज्ञान है इतनी सारी ज्ञान है
मैं कुछ ना करके बाहर रह गई हूँ तो राजस्थान की सब विरांगना को अगर नहीं जानती सर आप प्रॉमिस करते अपन अनाउंस करके हाँ और सबको इस रक्षा बंधन के कार्य में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपनी बहन उसको बहन मानकर बहन मानते हुए उसको वो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस वाला कार्यक्रम आपके जी टीवी के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विरांगनाओं को आज जो प्रोग्राम और सारा जनता जो यहाँ उपस्थित है उनको सब